ये कई दिनों का लॉक आधा समय बीत चुका है और ये आधे समय किसी तरह तो कटा, बाकी एक आधा समय कट जाए तो मानो जिंदगी का एक बहुत बड़ा कठिन सफर तय हो जाए। इस सूने रास्ते पर कोरोना का यही कहर है जो अब लगता है कि शायद कहीं धैर्य टूट ना जाए, लेकिन फिर भी पूरी तरह धैर्य रखकर पालन करता हुआ दरभंगा का हरेक वासी इन सुनसान सड़कों पर, वीरान सड़कों पर जंग लड़ता हुआ कोरोना योद्धा बना हुआ पूरे भारत की 130 करोड़ की जनता का साथ, दरभंगा की जनता का और पुलिस प्रशासन भी इसमें कहीं से कोताही नहीं बरतते हुए आने जाने वालों से पूछताछ कि क्यों निकले आप, क्या मजबूरी थी, क्या जरूरी था, और अगर संतुष्ट नहीं हुए तो आप गाड़ी अंदर लगाइए, ऐसा न कीजिए, कोरोना को मात दीजिए। लगातार मशक्कत कर रहा है दरभंगा जिला प्रशासन, मेहनत है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का, मेहनत है सफाई कर्मियों का, मेहनत है पुलिस कर्मियों का, मेहनत है मीडिया कर्मियों का, जिनकी बदौलत आप हर जगह की तस्वीर यहां से वहां तक देख पाते हैं, जान पाते हैं कि इस लॉकडाउन में हम ही नहीं हैं, हमसे आगे बढ़कर भी है। लॉकडाउन तोड़ने की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कहीं कहीं होती है, जहां तक नजर चली जाए इन सूनी सड़कों पर हम आंख ठहराते हैं तो मालूम होता है कि मानो सब कुछ ठहर गया, सो गया है ये जहां, सो गया है रास्ता, सो गई है दुनिया, कोरोना का कहर आखिर कब तक हम बर्दाश्त करें, लेकिन करना होगा अगर हमें जंग जीतना है तो। गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया गया है रास्ता, हो गया ये जहां, हो गया आसमान। इधर जिले में पूरी तरह शांति रहे, पूरी तरह कोरोना से लड़ने के लिए लोग एकजुट रहे, इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने मुस्लिम एवं हिंदू धर्म गुरुओं और समाज सेवी लोगों को कहा कि आप लोगों की भी जवाबदेही है, इस 40 लाख जनता के बीच में आपकी भी विशेष जवाबदेही बनती है। इस संदर्भ में उन्होंने नोवल कोरोना वायरस को फैलने के रोकने के लिए सभी धर्मों मजहबों को मानने वाले लोगों को का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते दो बड़े त्यौहार निकले हैं, जिसमें चैती नवरात्र, चैती छठ और दुर्गा और रामनवमी है, जिसका अगर छिटपुट घटना छोड़ दे तो बखूबी लोगों ने पालन किया। उसी तरह अब सबे बारात और महावीर जयंती है और इस उद्देश्य से आप लोगों की विशेष जवाबदेही है। दरभंगा के काजी मुफ्ती अब्दुल गफ्फार ने बताया कि वे लोग को आवाम को मोबाइल पर संदेश भेजकर मस्जिद से उद्घोषण कर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के मनीष जायसवाल ने कहा कि सभी मंदिर और मस्जिद के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेवारी दी जाए कि वहां कोई नहीं जाए। जिलाधिकारी ने दोनों के बातों की सराहना की और कहा कि निश्चित रूपेण ऐसा करने से हम लोगों को अतिरिक्त शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति में कोरोना के कोई लक्षण दिखे या पता चले तो व्यक्ति के बारे में टोल फ्री नंबर 06272245055 पर तुरंत सूचना दे।
उन्होंने कहा कि आगामी दो बड़े त्यौहार शब बारात और महावीर जयंती पर आप लोग विशेष रूप से सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र एवं सबसे कारगर तरीका है। इस नियम का सभी पालन करें। अगर कोई लोग संवेदनशील देशों या राज्य से बाहर से यहां आए हैं तो उसकी जांच कराएं। डीएमसीएच में ही जांच की सुविधा एक दिन पहले से विकसित हो गई है। कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। इस लड़ाई में सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर 1 मार्च 2020 के बाद कोई भी व्यक्ति विदेश से आए हैं और 22 मार्च के बाद कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली से आए हैं और 10 मार्च के बाद कोई भी ऐसे व्यक्ति जो निजामुद्दीन जो मरकज है उसके संबंध में से आए हैं तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत जांच कराएं। भले ही कोई लक्षण न दिखे लेकिन 14वें दिन भी लक्षण इसका दिख सकता है और ऐसी परिस्थिति में वे बात को छिपाएं नहीं, स्वयं आकर इसे बताएं। बैठक में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, सदर एसडीओ राकेश गुप्ता, डीपीआरओ सुशील कुमार शर्मा, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार, साकिन काजी, दरभंगा प्रमंडल अरशद रहमानी काजी, इमारत सरिया, वारिस हुसैन, इमाम शाही मस्जिद किला घाट, खालिद रजा कादरी, मौलाना नजीर अहमद उस्मानी, रियाज खान कादरी, मंजर कासमी, मोहम्मद मुश्ताक आलम, पूर्व पार्षद नफीसुल हक रिंकू, रुस्तम कुरैसी जो सचिव जिला मुहर्रम कमेटी हैं, उसके अलावा हेमचंद्र झा, मनीष जायसवाल, राजीव कुमार मधुकर, धर्म कुमार, सुजीत मल्लिक इत्यादि उपस्थित थे। देखिए सरकार के लॉकडाउन को देखते हुए, कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन को देखते हुए मैं जितने भी आज डीएम साहब की मीटिंग थी उसमें हम लोगों ने उनको यही उन्होंने निर्देश दिया है कि शब बारात को देखते हुए जितने भी लोग अपने घरों पर तलावत करें, अपने घर पर फातिहा पढ़े, तो हम लोग सब लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हम लोग अपनी मस्जिद छोड़कर घरों पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिए हैं, नमाज घर ही पर पढ़ रहे हैं इस कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए, तो हम लोगों का फर्ज है कि देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को इस संक्रमण से हम लोगों को मुक्त करना है, बचाना है, उसकी सुरक्षा करनी है, तो हम लोग बारात में भी पूरी तलावत अपने घरों पर करेंगे। काफी मेनली जो आज लॉकडाउन इंडिया है उसका पूरी तरह से पालन करना है हम लोगों को, इसके लिए बैठक थी। और आने वाला पर्व जो मुसलमानों का बहुत बड़ा पर्व है शबे बारात का, उसमें चूंकि आज पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है उसको पूरा पूर्णतः कायम रखने के लिए हम लोग को बुलाया गया है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं दरभंगा के मुसलमानों को खास करके, और मुसलमानों को कि ये जो शबे बारात है आप शबे बारात घर में रह करके मनाएं। जी हाँ, शबे बारात और महावीर जयंती को लेकर डीएम साहब के ऑफिस में एक तमाम हिंदू और मुस्लिम समुदाय की मीटिंग थी और ये गुजारिश की गई है डीएम साहब के थ्रू के जितने भी लोग हैं आप लोग घरों में इबादत कीजिए। हम लोगों ने उनको आश्वासन दिलाया है कि जब हम फर्द नमाज, जुमा की नमाज पढ़ने या पाँचों वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जा सकते मस्जिद में, तो मुस्तहब काम को हम घरों पर ही करेंगे। और मैं पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने शहर के सभी गणमान्य लोगों को यहाँ बुलाया और किस प्रकार से इस महामारी से लड़ा जाए इस पर आज विचार हुआ। दो विषय सामने आया, आगामी महावीर जयंती और शबे बारात में किस प्रकार से इस शहर की रणनीति पर घर में रहकर इस लॉकडाउन का पालन करें। तो हम लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से रामनवमी में यह विशाल हिंदू समाज अपने घर पर रह के रामनवमी का उत्सव मनाया है, उसी प्रकार से महावीर जयंती में भी ये उत्सव वो मनाएंगे। जैसे कि देश की स्थिति को देखते हुए आगामी दो पर्व है हनुमान जयंती और शबे बारात को लेके जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा बैठक रखा गया था जिसमें इस पर्व को लेके विचार विमर्श किया गया। सभी लोगों का सभी सुझाव आया। जिस प्रकार हम लोग इतने बड़े पूजा त्यौहार था हम लोग का रामनवमी हिंदू नववर्ष, उसे हम लोग घर में ही मनाए हैं, उसी तरीका से हम लोगों ने जिला प्रशासन को आश्वासन भी दिया है कि इस बार की हनुमान जयंती भी सभी लोग अपने अपने घरों में ही मनाएंगे। शबे बारात में लोगों को जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग और जो घर से बाहर नहीं निकल करके घर में ही पर्व मनाना है, उस पर सभी धर्म गुरुओं के साथ हम लोगों ने बैठक किया। जिले के कोने कोने पर अवस्थित सभी मंदिरों और मस्जिदों में मैसेज चले जाएँ कि ये कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग और घर से नहीं निकालने के बाद लॉकडाउन की बात कही जाए तो अक्सर अनुपालन करें और धार्मिक बातों पर घर पर ही उसका जो भी पूजा पाठ या नमाज का कार्यक्रम होगा घर पर ही हो,
को सुनिश्चित कराने के लिए लोगों से अनुरोध किया है। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि इसको सभी संगठनों में अपने अधीन सभी संगठनों में लोग पहुँचाएंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि लोग बाहर नहीं निकल। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल क्लास नर्सरी टू टेंथ सीबीएसई करिकुलम रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन ऑन 5th January 2020। इंग्लिश मीडियम स्कूल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट, लर्निंग फॉर ऑल क्लासेस एंड वेल इक्विप्ड क्लासेस, मैग्निफिसेंट स्कूल बिल्डिंग, क्रिएटिव टीचिंग, स्मार्ट क्लासेस, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम्स। मार्शल आर्ट विल बी स्टार्ट, कंप्यूटर रूम अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, सीजन 2020-2021। मिर्जापुर नियर सिटी लाइफ मॉल दरभंगा 7739108822879728557। इधर निजामुद्दीन मरकज से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो दोनों तरह के लोग हैं, दरभंगा शहर में ऐसे 16 लोगों की सूची आई जिसमें एक दर्जन लोग अभी दरभंगा लौटे ही नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों की पहचान करनी थी मोबाइल नंबर सहित दूर संचार विभाग ने सर्विलांस पर यह निकाल दिया कि इन लोगों ने निजामुद्दीन के पास घंटों बिताए, जिसमें मरकज से जुड़े लोगों के साथ इनका मोबाइल घंटों था। और इस संदर्भ में मोबाइल लोकेशन के आधार पर खोज हुई, कुछ पता गलत था, लेकिन देर रात नगर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश झा ने अंततः उनकी खोज की। वह पता से कुछ दूर अलग हटकर जो मोबाइल लोकेशन है उस आधार पर सेनापत मोहल्ला में बताया गया। इसके बाद पूरी टीम पहुंची, वार्ड पार्षद के साथ स्थानीय लोग भी पहुंचे और उसकी पहचान हो गई। इसके उपरांत पूरे इलाके को एक तरह से सील कर दिया गया, सैनिटाइज कराया गया और अगल बगल के वार्ड नंबर 21 के अलावा वार्ड नंबर 20 के, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 24 के पार्षद डब्बू खान, वार्ड नंबर 22 की पार्षद संजुला देवी, 20 के बेला देवी और वार्ड नंबर 21 की मधुबाला सिन्हा एवं स्थानीय लोग रियाज कादरी, पूर्व पार्षद नफीसुल हक रिंकू, सरफे आलम तमन्ना, अजय जालान इत्यादि ने पूरे इलाके के लोगों से अपने घर में रहने के लिए आग्रह किया और पूरी तरह से लॉकडाउन 100% दिखा और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। उक्त व्यक्ति जिनका नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि इन्होंने 9 तारीख को दिल्ली की यात्रा की। इनके अनुसार ये अपने भाई को जो सऊदी अरब से लाने आने वाले थे उन्हें लाने गए थे, लेकिन किसी कारण नहीं आए। पुलिस का कहना है कि यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। उसके बाद से ये 21 तारीख को दिल्ली से चलकर 22 तारीख को दरभंगा आए। हालांकि प्रारंभ में ये निजामुद्दीन से कनेक्शन की बात नहीं बता रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये गए थे दूसरे काम से। बहरहाल मरकज से जुड़े लोगों से इनका संबंध रहा और सर्विलांस एहतियात के तौर पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसके बाद इनके परिवार में 12 सदस्य थे, जिसमें से सभी तो घर में ही रहे, लेकिन एक सदस्य जिला पदाधिकारी दरभंगा के एस्कॉर्ट पार्टी का ड्राइवर है, जिस आधार पर इन्हें भी अलग कर इनकी जांच कराई जा रही है। और इनके साथ जो 4 सिपाही उस गाड़ी में बैठते थे उन्हें भी तत्काल अलग से क्वारंटाइन कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है और ये लोग भी आइसोलेशन में हैं। अब अगर इनकी निगेटिव रिपोर्ट आती है तो ये एक अच्छी खबर होगी, लेकिन अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसके बाद जिनके संपर्क में ये 12 लोग हैं, उसके बाद मोहल्ले में किन लोगों से मिले और उसके बाद जो 4 सिपाही हैं उनकी पहुंच और वे कहां से मिले, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसी के तर्ज पर, एहतियात के तर्ज पर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। बहरहाल चारों वार्ड पार्षदों ने जिम्मेवारी ली है कि आधे किलोमीटर के एरिया को जहां तक वो आसपास गए होंगे वहां तक
एक तरह से सील कर दिया गया है। उन्हें आवश्यक सामान इत्यादि के लिए खिड़की दरवाजे या मोबाइल कॉल पर ही बाहर निकलने को कहा गया है, अन्यथा वे घर के अंदर रहें और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। देर शाम सिविल सर्जन ने बताया कि जो व्यक्ति है उनका नंबर 30 और 31 है और एक दिन में अधिकतम 24 रिपोर्ट ही जांच किया जा सकता है। इन दोनों का सैंपल ले लिया गया है। अच्छी खबर यह है कि ये दोनों की स्थिति अच्छी है। इसके बाद मोगलपुरा से भी संदिग्ध रूप में दो युवक को समझा कर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अस्पताल भेजा। इनका भी रिपोर्ट ले लिया गया है और इन लोगों का रिपोर्ट भी अब रविवार को आने की संभावना है। पूरे जिले में जो मरकज से जुड़े लोग या संबंधित लोग या किसी कारण उनके संपर्क में आए लोग, ऐसे लोगों की संख्या 192 है। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या क्यों है, तो हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि मरकज से जुड़े लोगों के साथ, जिसमें कई दूसरे धर्म के लोग भी शामिल हैं, 192 में लगभग 40 हिंदू समुदाय के लोग हैं, कुछ सिख समुदाय के लोग भी हैं। सवाल यह उठता है कि ये लोग कैसे हैं, तो आपको बता दें कि चाहे वह ड्राइवर के रूप में, चाहे वह सहयोगी के रूप में, जो निजामुद्दीन कनेक्शन इन मरकज से जुड़े लोगों के बीच रहे, भारत सरकार ने सर्विलांस के आधार पर यह निकाला कि उनके मोबाइल के साथ घंटों इनका मोबाइल बिल्कुल नजदीक रहा। उनके मोबाइल के साथ जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, इनका मोबाइल बिल्कुल नजदीक रहा और ऐसी परिस्थिति में कहीं से ऐसी परिस्थिति में संक्रमण ट्रांसफर हुआ तो आगे एक कदम और आगे सतर्कता बढ़कर, चूंकि इन्हें अलग से ढूंढना और इन लोगों ने किनके साथ सफर किया, किनके साथ शेयर किया, तो एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मोबाइल के जरिए पहचान की जा रही है, जिसमें दरभंगा जिले में संख्या 192 है। 16 लोग दरभंगा शहर के हैं, जिसमें 11 लोग दरभंगा शहर आए ही नहीं, वह बाहर ही रह गए हैं। तो ऐसे 5 लोगों की पहचान कर इनकी जांच ली गई है, ताकि दरभंगा सील रहे, कोरोना का कहर यहां नहीं आए। इस तरह से 2 लोगों को जांच के लिए भेजा गया है, क्योंकि इन 10 लोगों का कहना है कि वे घर से बाहर नहीं निकले। 10 लोगों को अलग से आइसोलेशन में कर दिया गया है, उनके यहाँ आने जाने की मनाही हो गई है। एक जो जिला पदाधिकारी का ड्राइवर है, जो एस्कॉर्ट पार्टी का, और उनके साथ जो 4 सिपाही थे, 4-4-8, उनको भी जिला पदाधिकारी ने तत्काल अलग रख दिया है आइसोलेशन में, कि कहीं संक्रमण अलग सिपाहियों में न फैले। एक बहुत बड़ी समस्या, लेकिन बिल्कुल धैर्य रखकर जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों और अन्य सहयोगियों के जरिए इस काम से निकलने का रास्ता अपनाया है। अब देखना है, अब सारी निगाहें टिकी हुई है कि जब रिपोर्ट आए, और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, और तब तक लोगों की धड़कनें तेज है और लोग ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि ऐसा न हो, दरभंगा इस संक्रमण से अब तक बचा हुआ है और ऐसा ही हो। हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, अफवाह उड़ाने की जरूरत नहीं, अफवाह इसे बाहर बताने के लिए युवक जांच के लिए युवक को भेजा गया है। और अभी तक जो जानकारी है BTA न्यूज समाचार कंपोज के समय, जो 4 युवक मोगलपुरा से गए, 1 अन्य जगह से और 2 सेनापत से, 4 स्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है, और कोई ऐसी खबर जो अप्रिय खबर है अब तक नहीं आई है। और संभवतः रविवार को इन लोगों का रिपोर्ट आएगा, चूंकि दरभंगा में 2 दिन पहले जांच शुरू हुई है, पहले पटना जाता था जिसमें समय लगता था और इसमें 12 से 24 घंटा लगता है। 30वां नंबर है सेनापत का, उसके बाद 31, 32, 33 मोगलपुरा का, और लोग उम्मीद में, इस आस में कि रिपोर्ट निगेटिव आए, एक ऐसा निगेटिव जहां पॉजिटिव की उम्मीद और पॉजिटिव का नाम सुनकर घबराहट हो जाती है, दरभंगा इससे बचा रहे। नेगेटिव है, 2 लोग जो निजामुद्दीन से आए थे यहाँ सेनापत में, उनको जांच के लिए जो है जिला प्रशासन ने भेज दिया है, और अगल बगल के लोगों में पूरा अगल बगल के जितना भी 150 मीटर का डिस्टेंस पूरा पश्चिम चारों तरफ जो है 100 कम से कम वो कर्फ्यू का जैसा माहौल बना दिया, कर्फ्यू लगा दी गई है, किसी तरह कोई आदमी ऐसा ऐसी तो कोई बात नहीं। और बार बार जिला अधिकारी भी कहते हैं डरने की कोई बात नहीं, जो लोग अगर बाहर से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, अपनी जाँच करा लें,
इसीलिए आज हम लोग आए हैं। अभी उन लोगों को घर पर निकल कर वो लोगों को जांच के लिए भेजे हैं और भगवान से की है दुआ है कि पॉजिटिव ना हो, निगेटिव हो, ताकि हम लोग अपने दरभंगा को, अपने अगल बगल के बाहर, अपने समाज को, इससे हम लोग जो अयोध्यावासी पुराना अयोध्यावासी से लड़ने का जो काम कर रहे हैं इसको हम लोग हराएं, यही हमसे एक प्रार्थना है। कितने आदमी आए थे जमात से दिल्ली से? यहाँ पर की सूचना है एक आदमी की बात है, एक से दो आदमी की बात है जिनको जाँच के लिए वहाँ भेज दिया गया है। वार्ड नंबर 23 और 24 का ये बॉर्डर है और कैसे दिल्ली से दो लोगों को चिन्हित किया गया है जो आए हैं, हाँ, उनके संक्रमण होने की आशंका जताई गई है, इसलिए उनको जो है डीएमसीएच भेजा गया है जांच के लिए। शाम तक जांच आ जाएगी, हाँ, और तब तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है, बल्कि बिल्कुल कर्फ्यू की तरह जो है इस इलाके को रखा जाएगा, जिसमें वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 21 दोनों का जो है क्षेत्र आता है। और लोगों से भी अपील करते हैं कि जब तक जो है इस तरह की महामारी जो हमारे सर पे है, जब तक हम इस पर कामयाबी ना हासिल करें, जिला प्रशासन का, सरकार का मदद करें। दोनों लोग कहाँ से, बाहर से कहाँ से आए? दिल्ली से आए। कौन जगह से आए? दिल्ली से। निजामुद्दीन से। जिला प्रशासन के द्वारा जो सूचना दी गई है, अब तक टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो कोरोना के संक्रमण के संबंध आइसोलेशन में 121 लोगों को रखा गया है, जिसमें 14 लोगों को भर्ती कराया गया है, बाकी की जांच की जा रही है। डिस्पैच जो 4 तारीख तक शाम 6 बजे तक 97 लोगों को डिस्पैच कर दिया गया, 97। इसके अलावा 2 लोगों को एडवाइस दिया गया है कि वह घर में, जो आप क्वारंटाइन रहें, घर में रहें और स्टिल इन आइसोलेशन वार्ड। 121 में 97 लोगों को जांच कर करके अंततः जो 97 है इन लोगों को छोड़ दिया गया। यह एक अच्छी खबर दरभंगा के लिए। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार आवास पधारे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और कोरोना का मॉक ड्रिल, प्रशासन किस तरह अलर्ट है आप देखिए। मॉक ड्रिल कराया गया जिला पदाधिकारी दरभंगा, यहाँ है मॉक ड्रिल। देखिए कि किस तरह से ये एक मॉक ड्रिल है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो कोरोना से हम कैसे जूझ सकते हैं। ये देखिए मॉक ड्रिल, एम्बुलेंस पहुंचा, पूरा आप दृश्य देखिए, जिला पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। कोरोना से डरना नहीं है, जूझना है। प्रशासन और आप, हम मिलकर है तैयार। अगर कोरोना का पेशेंट निकल भी गया तो हम क्या करेंगे, यह बताया जा रहा है कर्मियों को, हमारे उन महान
स्वास्थ्य कर्मियों को जो अपने जान पर खेलकर आपकी जान बचाने के लिए है तैयार। एक मरीज को लिटाया गया कोरोना मरीज बनाकर, और आपको क्या करना है यह देखिए, किस तरह से कितनी दूरी पर रहनी है, क्या करना है कोरोना मरीज को के इलाज में, कितनी सतर्कता बरतनी है, देखिए कितना खतरनाक है। कोरोना को मजाक नहीं बनाना है, किस तरह से दूरी रखकर और उन्हें उनका इलाज कराया जाना है। जिला पदाधिकारी की मौजूदगी में हमारे स्वास्थ्यकर्मी या मॉक ड्रिल दरभंगा में, और मॉक ड्रिल इसलिए इसे देखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। कोरोना को मजाक मत बनाएं, कोरोना अगर हो गया तो क्या परिस्थिति आती है। एक सप्ताह पहले कोरोना की संदिग्ध मरीज की मौत के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा था। आधा दर्जन लोग उसके परिवार के एक दो सदस्य के साथ कबीर सभा संस्थान के सदस्य ने किसी तरह उसका दाह संस्कार किया। अगर वाकई में कोरोना से मौत होगी तो कितनी दर्दनाक है यह आप समझ सकते हैं। मरीज को उठाने के लिए कितनी औपचारिकताएं कि किसी तरह उसे हाथ नहीं लगाना है। ये कोरोना का मॉक ड्रिल परिसदन भवन में दरभंगा जिलाधिकारी के समक्ष स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग कि आपको जूझना है, कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, और लड़ने के लिए ये ट्रेनिंग लेते हमारे जांबाज स्वास्थ्यकर्मी। ये जंग सीमा पर नहीं, सूनी सड़कों पर लड़ी जा रही है, और अगर ऐसी भी स्थिति आ गई तो हम पीछे नहीं, जहां भारत का 130 करोड़ आदमी हर आदमी योद्धा है। जिलाधिकारी, कोरोना जो वायरस के खिलाफ जो हम लोगों का तैयारियाँ चल रही हैं संक्रमण के रोकथाम में, तो उसके क्रम में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सीरियसली इल पेशेंट और जो मान लीजिए डेथ होता है उनको कैसे निपटाया जाए और इन्फेक्शन को कम कैसे किया जाए, सैनिटाइज कैसे किया जाए, उसके लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसमें एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना है और SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो मापदंड निर्धारित है उसको कैसे फॉलो करना है, उस पर राज्य विस्तार से समीक्षा के लिए देख लीजिए तो कमियाँ सुधारने के निर्देश। इस मॉक ड्रिल से आप सबक लें, बार बार देखें, जाने कि कितना कहर बरपाता है कोरोना। अपनों की अगर मौत हो जाए तो शरीर छूना नहीं है,
मिट्टी देना है तो दूर से, देखना है तो दूर से, जलाना है अग्नि देनी है तो दूर से, और इस तरह मरीज को जिंदा में ले जाना है तो कैसे, जरा देखिए। कोरोना के कहर को जानिए और अब तो मानिए कि आइसोलेशन ही इसका इलाज है। घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें। बीटीए न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, कोरोना के समाचार को आपने देखा है दूर से, नजदीक से कभी कल्पना मत कीजिए कि ऐसा हमारे दरभंगा में हो। देखिए कितना दर्दनाक है यह, हमारे स्वास्थ्यकर्मी जान बच भी जाए तो कितनी तकलीफ देह होती है यह। इलाज करना कितना कठिन यह देखिए, लेकिन हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सलाम है इन स्वास्थ्यकर्मियों को जो प्रशिक्षण ले रहे हैं और तैयार है एक योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह, कि हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं कोरोना से, हम लड़ेंगे। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि 10 विदेशी मुस्लिम नागरिकों के साथ मरकज से लौटे लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है प्रशासन, और पता लगा रही है कि विदेश नागरिक को रखने वाले कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोगों ने सहयोग दिया और नियमित सूचना क्यों नहीं दी। नागरिक का वीजा भी रद्द होगा, कोरोना जाँच में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संबंधित लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। ये कुछ दिन पहले यहाँ पर म्यांमार के 10 नागरिक आकर रुके थे, जो कि दिल्ली में मीटिंग में भाग लेकर यहाँ आए थे, और यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद वो यहाँ से चले भी गए। बाद में हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई, एक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई थी। जब वहाँ जाके जाँच पड़ताल किया तो पता चला कि 10 लोग आकर रुके थे, तो यहाँ से तो वो लोग 21 तारीख को ही जा चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने यहाँ उनको ठहराया, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो फॉर्म से ही भरकर पुलिस को सूचना देते, वो सूचना नहीं दी गई है। इसके लिए SHO को निर्देश दिया गया है कि फॉरेनर्स एक्ट के तहत धारा 14 के अंतर्गत इनके विरुद्ध FIR दर्ज कर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा, जो 10 लोग यहाँ रुके थे और वो यहाँ से चले गए हैं, उनके विषय में भी हम लोग इमिग्रेशन को एक रिपोर्ट भेज रहे हैं ताकि उनका वीज़ा रद्द करने और भविष्य में उनको वीज़ा ना मिलने की कार्रवाई की जा सके। उन लोगों की पहचान कर ली गई कि सब वो लोग कहाँ कहाँ से आए थे, कौन कौन थे? हाँ, उनका पूरा नेम और एड्रेस वगैरह डिटेल यहाँ से मिल गया है,
जो लोग यहाँ इनको ऑर्गेनाइज करवा रहे थे उन लोगों से पूरी डिटेल मिल गई। यहाँ किन किन के विरुद्ध सर एफ आई आर होगी इस काम में? यहाँ पे जो संस्था है जिन्होंने उनको रुकवाया, उनके रहने का इंतजाम किया और पुलिस को सूचना नहीं दी है, उनके जो पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए थाना को निर्देश दिया गया है। सर ये लोग जो लोग यहाँ आए थे मेरे नाम से, वो लोग दिल्ली में निजामुद्दीन में भी थे और वहीं से वो लोग दरभंगा आए थे, और उसके बाद कई मस्जिदों में जाकर उन लोगों ने धार्मिक कार्य में हिस्सा लिया। तो जो स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर के, क्या सब जगह चिन्हित उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, क्या उस तरह की कुछ मामले आएगी, उन लोगों को क्वारंटाइन कराया जाएगा, कैसे इसको जाँच करेंगे सर? इसके लिए जो यहाँ प्रारंभिक जाँच पड़ताल के बाद जो बातें सामने आई है इसका उल्लेख करते हुए इनके विषय में रिपोर्ट भेज दी जाएगी इमिग्रेशन को, और इसके अलावा हम लोगों ने सभी थाना को भी निर्देश दिया है कि वो अपने अपने एरिया में ये सर्वे करें, सूचना संकलन करें कि कोई और व्यक्ति भी उनके यहाँ ऐसे लोग अभी रुके हुए हैं या फिर रुक कर जा चुके हैं जो कि दिल्ली में मरकज की मीटिंग में भाग लेकर आए हैं। और इधर इस कोरोना के बीच में सरकारी नियम का पालन करते हुए डेढ़ दर्जन स्वयंसेवी संस्था, जिला प्रशासन कई जगह भूखे लोगों को भोजन कराने में लगातार सक्रिय है, लेकिन इस दौरान जिला प्रशासन और सरकार का स्पष्ट निर्देश कि आप यश बांटे कोरोना नहीं बांटे न घर लेकर आए, क्योंकि आपको सतर्कता के साथ वितरण करना है, उसकी भी रक्षा करनी है, अपनी भी रक्षा करनी है, परिवार की भी रक्षा करनी है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जब परिवार में घर के बीच जाएं तो सारे कपड़ा डिटर्जेंट में धोकर चाबी रिंग और नोट मोबाइल तक सैनिटाइज करके घर का हैंडल पकड़ें। जी हाँ, ये आपके लिए भी, सब्जी बेचने वाले के लिए भी और आवश्यक वाहन चलाने वाले पर भी, कि जब आप इस ट्रेनिंग पर बैठें तो उसके बाद कोरोना का वायरस वहाँ भी हो सकता है। और इन सबों के बीच आप भूखों को भोजन कराने जा रहे हैं, ऐसे वाकई कोरोना कर्मवीर जो लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, इनके जज्बे को सलाम, इनके हौसले को सलाम। Thank you.